गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम चले हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के को दिखाने के लिए कि फिजियोथेरेपी लेने के लिए। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आपको भी इसी बहाने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नज़ारा मिल जाएगा कि कैसे होते हैं रोड्स। तो फिर ठीक है, अभी हम यहाँ से निकल कर होसूर रोड पे कनेक्ट होंगे। कौन सा हाईवे आपा ये होसूर रोड? सिल्क रोड फ्लाईओवर। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं वो सिल्क रोड फ्लाईओवर है। कहाँ जाता है आपा ये? चेन्नई, तमिलनाडु, त्रिवेंद्रम। ये एकदम चेन्नई मतलब साउथ को कवर करता है, ये साउथ जाता है केरला चेन्नई। यहाँ का लॉन्गेस्ट हाईवे है। तो आप सुन ही रहे होंगे कि मेरे पापा को इस सब चीज़ में बहुत एक्सपीरियंस है, तो ये लॉन्गेस्ट हाईवे NH-44। तो अभी आप देख सकते हैं चले गए। यही देखिए दो रास्ता है, ये सर्विस लेन है और ये हाईवे नेशनल हाईवे 44। अब आप देखेंगे छोटा सा टाइम लैप्स फिजियोथेरेपी सेंटर पर। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए एक हाईवे, दो हाईवे, यहाँ भी मुड़ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, इधर इधर। उसके बाद हमको जाना है सीधा। देखिए कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, फुल मेंटेन्ड, क्योंकि ये आईटी एरिया आ गया है। हम आईटी एरिया है, आपको दिखेगा इंफोसिस, विप्रो, तो ये देखिए BMTC KIA 8 यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे आप देखिए एक दो तीन तीन बस लगा है, अभी जाएगा डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैपुगौड़ा बेंगलोर एयरपोर्ट। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना शांत, देखिए सब आईटी गेट, सब आईटी गेट है ये सब। एक रास्ता, दो रास्ता, लाइट बंद। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा थोड़ा दुकान सब है ये। टेक पार्क, नन्या टेक पार्क। देखिए यहाँ पे फुल पुलिस लोग। यहाँ का मैनेजमेंट एकदम कितना सही है, लाइक सारा का सारा कहीं गंद कूड़ा नहीं देख रहे हैं आप, केवल पेड़ है, पत्ते हैं बस। ये देखिए सामने इंफोसिस गेट वन। फुल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जो लोग होते हैं जो इधर से चले जाते हैं। तो राइट लेना है। अब सीमेंस, सीमेंस ऑफिस। देखिए हमको लेफ्ट लेना है और यहाँ पे इतना भीड़ है, हमारा 10 सेकेंड 8 सेकेंड में सिग्नल बंद हो जाएगा। चल रहे हैं। ये हम मुड़ गए। मतलब आप देख सकते हैं सब जगह CCTV है। देखिए ये CCTV पूरा अच्छे से बताया, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, एकदम फुल मेंटेन्ड एरिया है। देख रहे हैं पूरा शीश महल, ऑफिस, टेक पार्क है सब। तो यहाँ से राइट लेने बोल रहा है, मैंने राइट ले लिया। In 500 meters, turn left onto second crossroad.
गूगल का भी आप आवाज़ सुन ही सकते हो। ये देखिए JCB कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फुल कंस्ट्रक्शन। एंट्री रोड तो वो, ये अलग दूसरा टेक पार्क। ये दोस्तों अब जो भी था, अच्छा रोड, अच्छा एनवायरनमेंट, सब अब धीरे धीरे गायब हो रहा है क्योंकि अब हम एरिया से बाहर आ रहे हैं। हमको अब लेफ्ट लेना है इसके अंदर। हमने लिया लेफ्ट और उसके अब देखिए ये सब अपार्टमेंट दिखे। अपार्टमेंट का रेंट वेंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये सब IT एरिया में आता है। अरे संडे तो दोस्तों, हम अब फिजियोथेरेपी सेंटर पे आ चुके हैं। हमारा फिजियो सेंटर ये दोस्तों, हम अपने फिजियोथेरेपी के लिए आ गए हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 5 ही किलोमीटर है। अब हम अंदर जाएंगे फिजियोथेरेपी के बाद आपसे मिलते हैं। तो मैंने अपना फिजियोथेरेपी पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। तो आप अपने रास्ते का वापस लुक्स उठाइए। तो देखिए फुल ग्रीनरी वाले एरिया से वापस जा रहे हैं। फुल यहाँ पे ये होता है कि हर जगह आपको टैक्सी का सिस्टम मिलेगा। देखो एक टैक्सी चल रहा है, एक खड़ा है इधर, एक वो खड़ा है। पूरा एरिया यही कि यहीं से लोग जाएगा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से आएगा इधर, और बीच में तो कहीं किसी को कोई काम ही नहीं है। बस सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिटी आना है क्योंकि यही IT हब है। क्योंकि अब यहाँ से 5 मीटर जाएंगे नहीं कि आपको IT हब मिलेगा। अभी आप देखेंगे IT हब, जैसे ये देखिए यहाँ पे अधिकतर लोग IT वाला रहता होगा। दुकान छोटा टपड़ी, गले में भी IT केवल IT। ये देखिए इतना सा ही एरिया है, इसमें भी स्पीड ब्रेकर, सब स्पीड लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। अब देखिए बिजली विभाग, स्पीड ब्रेकर। अब ये देखो फायर स्टेशन देख सकते हैं सामने, फायर ब्रेकर से लगा हुआ। देखो सब इस एरिया में एक चीज़ का बेनिफिट है कि यहाँ पे फालतू का उतना कोई हॉर्न नहीं बजाता। अभी आप रोड पे देखिएगा इतना सारा लाइन आएगा, सब एक दूसरे को हॉर्न मार मार के तंग करेगा। ये देखिए शुरू हुआ नहीं कि फिर से एक IT कंपनी आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब आप टाइम लैप्स के मजे लीजिए। अभी हम यहाँ से कट के सामने दूसरे रोड पे वापस खड़े चल रहे हैं।
नो स्पेस, और यहाँ से जाएंगे इस रोड पर आना है। इस रोड पर आने के लिए इतना दूर से कटना पड़ रहा है। यहाँ मुड़ेंगे, यहाँ पर क्या है कि हमारा गाड़ी का आगे वाला भी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें बैक मारना पड़ता है। ये हमारा सेफ बैक लग गया और हम मुड़ेंगे। ये रहा, हाँ हाँ, तो सो ये लगा दो, दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के मार्केट में हैं। यही सबसे मार्केट है जो आपको रोड पर मिलेगा। तो आज चिकन बनाने का प्लान है, तो जा रहे हैं चिकन लेने। मेरा फिजियो हो गया, अच्छा लग रहा है, तो हम आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये था चिकन का कॉर्नर, हम जा रहे हैं चिकन देख सकते हैं। तो आपको मिलते हैं चिकन लेने। चिकन कट रहा है, मैं आपको बताऊँगा। देख सकते हो ये सिल्क रोड फ्लाई ओवर है, जो डायरेक्ट चेन्नई केरला ये जाता है, ठीक है। आपका वहाँ जाके आगे टोल कटेगा जब आप उतरोगे। और ये देख सकते हैं, ये है सर्विस रोड। ये जो देख रहे हो सर्विस रोड, इस पुल के उस पर NH 48, जो कि आगे जाके इसी पे चढ़ेगा। बाद में किसी दिन हम आपको वो भी दिखाएंगे। अब आप वो देखिए, ये है मेट्रो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ वन मेट्रो। दिस इज़ द मेट्रो जो हमारे घर से थोड़ा पास है। और ये मेट्रो लाइन, एक और ब्रिज देखिए दूसरी के साथ, जो दूसरा ब्रिज है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको दूसरा ब्रिज जो देख रहे हैं, वो मेट्रो लाइन है। तो वो जो है वो मेट्रो का वो वॉक ओवर है, वो जो ब्लू कलर का आप देख सकते हो, वो मेट्रो वॉक ओवर है। मतलब आप इस पर देख सकते हैं कितना रश है, लाइक पूरा मल्टीपल रो है, तो टाइम बहुत रश हो रहा है। जैसे आप वो देखें उधर, तो वहाँ पे बस खड़ी है, वहाँ पे भी दो रोड है, ऐसे सेम है उधर भी, तो टोटल दो और दो चार, चार रोड है इधर। और वहाँ पे कोई रुकेगा बस स्टॉप के लिए, वो देखिए मेट्रो फुल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, पर खुला नहीं है अभी तक। जब खुलेगा तो हम आपको इसमें भी बैठ के दिखाएंगे। तो आते हैं वहाँ पे, देखते हैं हमारा चिकन का क्या भीड़। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो मिनट भी खड़े नहीं थे, देखो कितना भीड़ हो गया। ये देखिए, ये क्या है कि अब इतने सारे बस देख सकते हैं। अब पूरा का पूरा ये कहाँ से आ रहा है? नाइस रोड के एग्जिट से आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगा, नाइस रोड भी यहाँ पे खुलता है, जो बैंगलोर का सबसे बड़ा वो है हाईवे जो बनाया था, पेड हाईवे वो। तो पूरा का पूरा देखिए ट्रक सब वहीं नाइस रोड से आ रहा है। यही सब पूरा का पूरा ये सर्विस रोड जाम कर देगा, आपको गाड़ी घुमाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। वो देखिए उधर भी फुल जाम लग चुका है। यही है बैंगलोर का स्टोरी, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। हमने अपना चिकन और एग ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब मेरा क्या है कि मैं जहाँ देर तक ना खड़ा रह सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना चल सकता हूँ। तो अब गाड़ी में जाके बैठेंगे, इतना रेस्ट करेंगे। मैं जिस नाइस रोड के बारे में बात कर रहा था, देखो नाइस रोड का एग्जिट एग्जिट है, ये एग्जिट एंट्री भी है इधर और एग्जिट भी है। वो जो मैं आपको सारे ट्रक की लाइन दिखाया था, वो यहीं से आता है, ठीक है। अभी भी ट्रक उतर रहा है, वो देखिए नाइस रोड आ रहा है। मतलब ये ऐसा एरिया है ना कि अगर आप यहाँ पे नए नए आएंगे तो आप पक्का भुला देंगे कि आपको कौन से रोड से आए थे, वो कौन से रोड पर चढ़ के वापस जाना है। ये देखिए वो ट्रक सब आपकी नाइस रोड है, बबुआ लोग नाइस रोड, प्राइवेट रोड है, सीधे चल जाना मैसूर रोड में जाके मिल जाएगा। आजादी बहुत फास्ट रोड है, टॉल टॉल में टॉल लगेला, अरे टॉल रोड बा। हमरा के ना भोजपुरी बोले आवेला नीमन, बट हम ट्राई करेनी। तो कितना लंबा होता है पापा? ये कॉलेज है, ये देखो ये पेस कॉलेज है, इसमें हमारा भाई पढ़ा था। कभी दिखाएं, कमेंट करिए अगर अंदर से देखेंगे बात हो रहा लोगों की। तो ये देखिए, ये आईटी कंपनी हर जगह जहाँ रहिए। हाँ तो इसमें ऊपर है पापा, वो ऊपर है, वो टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मर। आप देखिए हमारा घर है लेन के अंदर, पेस के बगल में ही। तो चलते हैं घर, फिर देखा जाएगा। ये देखिए तो JCB लगल रहा है, नहीं ये है पूरा लोकेलिटी, देख सकते हैं। क्या छोटा छोटा घर है, PG है, ये देखिए गाय लोग, ये देखिए मंदिर बन रहा है, ये देखिए बस इतना ही बाजार है इसके अंदर। जैसे एक
खाली बा, खाली बा, पापा के बाल कटाए के बाद तो कहाँ चल रहा है। तो यही है घर इधर, तो यही है मेरा घर का पार्किंग, देखिए पूरा का पूरा ग्रीनरी। और ये रहा कॉलेज का सीन, यही सामने कॉलेज है। चाह तो हम दीवान फाड़ के भी सकते हैं पर जाते नहीं हैं, अनुशासन फॉलो करते हैं। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल वापस फिजियो कराने जाएंगे तो आपको रोड का नज़ारा दिखाएंगे। तो फिर बाय बाय, टेक केयर।